सहनावतु सहनौ भुनक्तु करवावहै तेजस्विना तमस्तो मिषावी ओ शांति 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 न्याय दर्शन के तृतीय अध्याय का द्वितीय अनिक हम पढ़ रहे हैं और यहाँ प्रसंग ये चल रहा है कि जो ज्ञान गुण है वो ना तो भूतों का है भूत मतलब शरीर ना इंद्रियों का है इंद्रियाँ क्योंकि भौतिक नहीं है वैसे इसमें तो भौतिक ही हैं न्याय दर्शन में तो, तो ना तो भूतों का है ना इंद्रियों का है और ना ही मन का है समान प्रतिषेध मनसस्तु उदाहरण मात्र मन का क्यों नहीं है वो यहाँ पर इन्होंने बताया है तो यहां पर अगले सूत्र में कहा यथोक्त सिद्ध हो गया यहाँ पर मन का भी नहीं है अथयम सिद्धो उपसंग्रह तो जो सिद्ध हो गया था उसको फिर उपसंहार के रूप में कह रहे हूं उपसंग्रह करते हुए पीछे के विषय का तो कह रहे हैं परिशेष तो से भी ये आत्मा का ही बचता है क्योंकि परिशेष किसको कहते हैं प्रसक्त प्रतिषेधे अन्यत्र प्रसंगा छिष्यमाणे संप्रत्यय जहां जहां इसका प्रसक्ति हो सकती थी वहां वहां प्रतिषेध होने पर तो प्रसक्ति कहाँ हो सकती थी शरीर इंद्रिय और मन में तो वहां तो प्रतिषेध हो गया अन्यत्र अप्रसंगच अन्यत्र कहीं प्रसंग नहीं है कि जहां इसका प्रसक्ति हो सके तो शिष्यमाणे संप्रत्यय तो जो शेष बच गए उसी का गुण मान लिया जाता है तो कहा भूतेन्द्रिय मनसाम प्रतिषेधे द्रव्यांतर न आत्मा तस्य तो ये पहली बात होगी परिशेष से यथोक्त हेतु उपपत्तेश्च और जितने अभी तक हेतु कहे हैं उनकी भी उपपत्ति होने से कहा कौन से हेतु दर्शन स्पर्शनाभ्याम एकार्थ ग्रहणम इति एवं आदि नाम वहां से लेकर के आत्म प्रतिपत्ति हेतु नाम आत्मा की प्रतिपत्ति के जो हेतु दिए हैं उनका अप्रतिषेधार्थ उनका अभी तक प्रतिषेध नहीं किया ना पूर्व पक्षी ने तो वहां से लेकर के यहाँ तक जितने भी हेतु दिए हैं उन सब हेतुओं के कारण परिशेष ज्ञापनार्थ और परिशेष को ज्ञापित करने के लिए प्रकृत स्थापनादि ज्ञानार्थम च और ये जो प्रकृत प्रकरण चल रहा है ज्ञान गुण किसका है इसकी उपस्थापना करने के लिए यथोक्त हेतु उपपत्ति वचनम जो ऊपर उपपत्ति वचन कहा है वो उसके लिए इसकी स्थापना करने के लिए अगला कहा अथवा उपपत्ति हेतुअंतरम एवं इदम नित्यम सॉरी नित्य खलु अयम आत्मा उपपत्ति का एक दूसरा हेतु ये भी है की आत्मा नित्य है एकस्मिन शरीरे धर्म चरित काय भेदात स्वर्गे देवेशु उपपद्यते तो एक ही शरीर में धर्म का आचरण करके कायस्य भेदात शरीर का भेद होने पर माने दूसरा जन्म होने पर स्वर्गे देवेशु स्वर्ग स्वर्गलोक में देवत्व को उत्पन्न हो जाता है ये उपपत्ति का यह अर्थ हो गया और अधर्म चरित्र अधर्म का आचरण करके देह भेदात देह का नाश होने पर नर्केश उपय नर्क में भी वो चला जाता है निम्नयोनियों में चला जाता ही थी उपपत्ति शरीरांतर प्राप्ति लक्षण तो ये जो उपपत्ति है ये क्या है शरीरांतर प्राप्ति के लक्षण वाली है और वो उपपत्ति तो साती सत्वे आत्मा के होने पर ही हो पाएगी ना तो आत्मा को तो मानना पड़ेगा और आत्मा का केवल अस्तित्व ही नहीं मानना पड़ेगा नित्य आश्रयवती वो उपपत्ति इस आत्मा को नित्य मानने पर ही आश्रयवती होगी सार्थक होगी बुद्धि प्रबंध तो जो बुद्ध इसको आत्मा को नहीं मानते केवल ज्ञान मात्र को ही मानते हैं बुद्धि प्रबंध मात्रे तो बुद्धि प्रवाह ज्ञान प्रवाह को मात्र जो मानते हैं तो उनके मत में निरात्म की आत्मा के न होने से निराश्रया ये जो शरीरांतर प्राप्ति लक्षण उपपत्ति है ये निराश्रय होकर शरीरांतर की प्राप्ति किसको हो कोई आश्रय तो होना चाहिए ना आश्रय मतलब शरीर तो शरीर को ही तो होगी शरीरांतर की प्राप्ति उनके वहां पर तो कोई आश्रय नहीं बचा जिसको शरीरांतर की प्राप्ति हो पुनर्जन्म हो तो उनके मत में पुनर्जन्म की उपपत्ति नहीं हो पाएगी एक सत्व अधिष्ठान्च अनेक शरीर योग संसार उपपद्यते शरीर प्रबंधो छेदात अपवर्गो मुक्ति रीति उपपद्यते कह रहे हमारे मत में क्या है एक सत्व अधिष्ठान हमारे यहाँ एक आत्मा है एक सत्व है जो अधिष्ठान है जो आश्रय है किसका अनेक शरीर योग है उसका अनेक शरीरों के साथ योग होता है और जो इस एक नित्य आत्मा का अनेक शरीरों के साथ योग होता है उसी को संसार उपपद्यते, उसी से संसार की उत्पत्ति होती है सब आत्माओं का अलग अलग शरीरों से योग हो गया इसी का नाम संसार है और शरीर प्रबंधोच्छेद शरीर प्रवाह के का जो उच्छेद हो जाए माने शरीर दोबारा जन्म ना ले इसी को क्या कहते हैं अपवर्ग मुक्ति उपपद्यते तो मुक्ति होगी किसकी कोई होना तो चाहिए ना जिसकी मुक्ति हो तो आत्मा मानेंगे तो ही ये संसार अपवर्ग मुक्ति ये शब्द भी तभी सार्थक होंगे जब हम आत्मा का अस्तित्व और आत्मा का नित्यत्व दोनों मानेंगे और दिन दोनों को मानते नहीं है तो इसलिए उनके मत में ना संसार की उत्पत्ति होगी ना मोक्ष की उत्पत्ति होगी मुक्ति की होगी ना ही पुनर्जन्म की उत्पत्ति होगी तो ये दोष दिखा दिया उनके उसमें कहा किसका निर्वाण तो किसका नहीं किसका होगा मैं आपसे पूछ रही हूँ यदि आप उस पक्ष को लेकर कि, किसका कोई तो होना चाहिए ना निर्वाण प्राप्ति के लिए शरीर तो नष्ट हो गया जल गया तो निर्वाण हुआ किसका तो अप्रत्यक्ष रूप से मानना ही पड़ेगा एक को या फिर निर्वाण शब्द कह नहीं सकते हैं सत्व को तो मानना पड़ेगा ना लेकिन उनके सिद्धांत में आत्मा को नहीं मानते हैं तो वो ही तो दोष दिखा रहे हैं कि भाई आप निर्वाण पद को भी मान रहे हैं आप साधना की भी बात कर रहे हैं और आत्मा को मान नहीं रहे हैं तो इसीलिए तो खंडन करना पड़ रहा है इनको कि ये दोष आएगा आपके मत में तो निर्वाण तो शब्द तो कहा उन्होंने निर्वाण कहो मुक्ति कहो मोक्ष कहो अपवर्ग कहो ये की बात है ना लेकिन वो होगा किसका सत्व को मानोगे तभी होगा ना तो ये दोष आ गया बुद्धि संतति वो मानते हैं केवल ज्ञान का एक प्रवाह है। हमें ये ना ज्ञान से हम बरत रहे हैं एक दूसरे के साथ बाकी आत्मा ऐसा कुछ नहीं है तो ये कह रहे हैं बुद्धि संतति मात्रेतु तु केवल ज्ञान का प्रवाह मात्र मानने पर तो एक सत्व अनुपत्ति है एक सत्व की अनुपत्ति होने से एक आत्मा की अनुपत्ति होने से न कश्चित दीर्घम अध्वानम संधावती न कश्चित शरीर प्रबंधात विमुच्यते इति ना तो कोई दीर्घ अध्वानम संधावती दूर मार्ग तक दौड़ सकता है अर्थात ना तो ये संसार चल सकता है कोई आत्मा लंबे समय तक इस संसार रूपी मार्ग पर दौड़ता रहे इसका नाम ही तो संसार है तभी तो संसार टिक पाएगा पर यदि कोई सत्व है ही नहीं तो शरीर नष्ट होते ही सब कुछ नष्ट आत्मा यदि बचेगी तो अगला जन्म होगा फिर शरीरों के साथ वो युक्त होगा तो ना तो ये यहाँ ये संसार चलेगा बुद्धि संतति मात्रेतु एक सत्व अनुपपत्ते एक सत्व की एक तत्व की आत्म तत्व की अनुपपत्ति होने से न कश्चित दीर्घम संधावती ना तो कोई दीर्घ काल तक संधावती इस संसार में चल सकता है दौड़ सकता है न कश्चित शरीर इति और ना ही कोई इस शरीर के प्रवाह से मुक्त हो सकता है मुक्त होने के लिए भी उसका अस्तित्व तो मानना पड़ेगा जो मुक्त हो गया इति संसारापवर्गानुपत्ति रीति इसलिए उनके मत में संसार और अपवर्ग इन दोनों की अनुपपत्ति होने लगेगी दोनों की ही सिद्धि नहीं होगी कौन हुआ मुक्त होने वाला कौन है ये जो कायिस में नक्कशित शरीर प्रबंधादि मुच्छेदे, हम्म, hmm. तो जब शरीर पूरा हो गया उसका किसका जो ये आत्मा मन आत्मा, मन, <laughs> आत्मा, आत्मा ही तो नहीं मान दे ना, मान नहीं रहे ना उसको, आत्मा वो तो केवल बुद्धि का प्रवाह मात्र मान रहे हैं, ज्ञान का प्रवाह मात्र मान रहे हैं, बुद्धि मतलब ज्ञान, तो बचा कौन <laughs> और जान की उत्पत्ति होती है इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से और वो क्षणिक है तो यहाँ बचने वाला नहीं रहा ना कोई भी तो ना तो संसार की उत्पत्ति होगी उनके मत में और ना तो अपवर्ग की मुक्ति की होगी बुद्धि संतति मात्रे च सत्व भेदात सर्वम इदं प्राणी व्यवहार जातं अप्रतिसंहितम अप्रतिसंहितम अव्यावृत्तम् अपरि निष्ठितम बुद्धि संतति मात्र ज्ञान का प्रवाह मात्र आप मानेंगे बुद्धि संतान मात्र, संतान मात्र मानेंगे तो सत्व भेदात सत्व का भेद होने से माने आत्मा का नाश होने से सर्वम इदम प्राणी व्यवहार जातम जो भी ये सब प्राणियों का व्यवहार चल रहा है ये अप्रतिसंहितम अप्रतिसंहितम अव्यावृत्तम इन सबको इकट्ठा कैसे कर पाएंगे उस सब का प्रति संहार कैसे कर पाएंगे आत्मा कोई है नहीं केवल ज्ञान मात्र हो रहा है वो भी किसको मन को हो रहा है मन को चलो ये तो अब कल जो आपने पाठ पढ़ा था या मैंने पढ़ाया था तो वो तो उसी समय नष्ट हो गया क्योंकि ज्ञान तो क्षणिक है निश्चित हम सिद्ध कराए हैं ना यहाँ पर इंद्रिय और अर्थ से उत्पन्न होने वाला और जिसमें संस्कार रहते हैं वो आत्मा यहाँ पर है नहीं तो आप कैसे पहचानोगे कि, कि कल का पाठ यहाँ तक हो गया था और मैंने ही पढ़ाया था और आपको ही पढ़ाया था ऐसा व्यवहार होगा ही नहीं इसका उपसंहार नहीं कर सकते हैं तो प्राणी व्यवहार जातम अप्रतिसंहितम अव्यावृत्तम और आप उसको व्यावृत्त भी नहीं कर सकते हैं व्यावृत्त भी व्यक्ति तब कर सकता है कि भाई ये मेरे काम का नहीं है तो ये इसको हटाओ तो ना किसी चीज का संहार कर पाएगा ना उसको कहीं हटा पाएगा तो दोनों हो ही नहीं सकते हैं अपरिनिष्ठितम चस्यात सब कुछ अपरिनिष्ठित माने अव्यवस्थित हो जाएगा जो हम सब प्राणियों का व्यवहार है वो अव्यवस्थित हो जाएगा ततः स्मरणा भावो न अन्य दृष्टम अन्य स्मृति इति तो इससे क्या हो जाएगा स्मरणा भाव स्मृति का भाव हो जाएगा अभी तो आत्मा को स्मृति रहती आत्मा को स्मृति कैसे होती है संस्कार के कारण तो फिर ना आत्मा है ना संस्कार है तो स्मरण का भी अभाव हो जाएगा क्योंकि न अन्य दृष्टम अन्य स्मृति थी दूसरे का देखा हुआ जिस मन ने देखा था कल वो तो क्षणिक मानते हैं ना क्षणिक बाद वो तो नष्ट हो गया तो आज जो उसने देखा था इस दूसरे को कैसे स्मरण आएगा ये दूसरा व्यक्ति है आज वाला न अन्य दृष्टम अन्य इति स्मरणम खलु पूर्व जात जात्रा और स्मरणम कब होता है स्मरण कब होता है स्मरणम खलु पूर्व जिसने पहले जाना था जिस आत्मा ने समान ज्ञाता के द्वारा समान ज्ञाता के द्वारा जो ज्ञाता कल था वही आज है उसके द्वारा ग्रहणम उसके द्वारा ग्रहण होता है ज्ञान होता है तो तब ये ज्ञाता बोलता है अज्ञासीसम अमोमर्थम जेयम इति मैंने इस ज्ञेय पदार्थ को अज्ञासीसम कल जाना था सो अयम एको ज्ञाता तो इस प्रकार से ये जो आत्मा है ये ही एक ज्ञाता है पूर्व ज्ञातम अर्थम गृहणाती ये ही पहले जाने हुए अर्थ को दोबारा ग्रहण करता है जानता है तच्च अस्य ग्रहणम स्मरणम इति और ये जो इसका ग्रहण है पूर्व ज्ञात अर्थ को दोबारा जानना ये ही इसका स्मरण है क्षणिक तो तो वादी उनके पक्ष में ये निरात्मक माने आत्मा के बिना न उपपद्य उपपन्न नहीं हो पाएगा स्मृति भी उत्पन्न नहीं हो पाएगी व्यवहार भी उत्पन्न नहीं हो पाएंगे तो ये आत्मा का गुण ज्ञान है और आत्मा नित्य है ये मान नित्यत्व भी दोबारा उपसंहार कर दिया पूरे प्रकरण का उपसंहार किया ना इस सूत्र में तो उपसंहार क्या किया शरीर इंद्रिय अर्थ मन इनके अतिरिक्त एक आत्मा का भी अस्तित्व है और वो आत्मा नित्य है तो ये सारे प्रकरण का उपसंहार था अब यहां पर ये कह रहे हैं स्मरणम तो आत्मा जय पर ये कह रहे हैं कि भाई स्मरण तो मन को हो जाएगा तो स्मृति का नाश कैसे होगा मन जान लेगा स्मरण कर लेगा तो कह रहे हैं नहीं स्मरणम तो आत्मन स्मरण आत्मा को ही होता है स्मरणम आत्मन उपपद्यते, उपपद्य की अनुवृत्ति ले आएंगे यहाँ पर क्यों जय क्योंकि ये जो आत्मा है ये ही जानने के स्वभाव वाला है क्योंकि यही चेतन है तो जानने का स्वभाव किसका होगा जिसका ज्ञान है जो चेतन है और यह हम अभी तक सिद्ध कर चुके हैं कि आत्मा कैसा है चेतन है और ज्ञान वाला है उपपद्यते इति आत्मन एवं स्मरणम क्योंकि आत्मा को ही स्मरण की उपपत्ति होती है न बुद्धि संतति मात्र बुद्धि की संतति मात्र को स्मरण नहीं हो सकता है और सूत्र में तू शब्द अवधारणी आत्म सॉरी स्मरणम तू ऐसे कहा ना तो तू शब्द जो है वो अवधारण के लिए क्या उदाहरण है कथम जय आत्मा को ही होगा स्मरण क्योंकि आत्मा जय स्वभाव वाला है ज्ञान के स्वभाव वाला है जय इत स्वभाव ये जो ज्ञान है ये अस्य स्वभाव है ये इसका स्वभाव है स्वधर्म है, ये इसका अपना धर्म है अयम खलु ये जो आत्मा है ये ज्यास्यति जानाति अज्ञासी त्रिकाल विषय अनेकेन ज्ञाने न, न हर आत्मा त्रिकाल के अनेक अनेक ज्ञानों से बंधा हुआ है ये मैंने पहले जाना था आज मैं ये जान रहा हूँ कल मैं ये जानूंगा तो ये सब के पास कुछ ना कुछ होता है जानने के लिए भी और वर्तमान में जाना हुआ और भूतकाल में जाना हुआ तो ये प्रत्यात्म वेदनीय है तस्य अयम स्व तस्य तस् तो इसका ये अपना खुद का धर्म है तद अस्व धर्म तस्य स्मरणम ये ज्ञान इसका अपना जो धर्म है इसका इसी को ही स्मरण होगा न बुद्धि प्रबंध मात्र से निरात्मक आत्मा के बिना केवल ज्ञान प्रवाह मात्र को ये स्मरण नहीं हो सकता है तो अब यहाँ तक इन्होंने भी मान लिया कि ठीक है आत्मा को ही स्मरण होता है और आत्मा का ही ज्ञान स्वभाव है तो ये दोनों सूत्र उपसंहार के रूप में पूर्व पक्षी ने स्वीकार कर लिए उन्तालीस और चालीस अब ये एक अगली बात कह रहे हैं कि आपने कहा था स्मृति हेतु नाम अयोग पद्यात्थ युगप अस्मरणम उक्तम ये आपने कहा था यही कहा था ना अभी पिछले तैतीस नंबर सूत्र में कहा था ना किस उससे पहले मतलब एक पंक्ति में यहाँ कहा ना ए, देखो तैतीस नंबर सूत्र से ऊपर एक पंक्ति आई थी ना कि क्या कारण है भाई ये हेतु होते हुए भी इसको एक साथ नहीं होता है 407 पे, कह खलु इदानिम कारण योगपद्य पद्य सद्भावे युगपद अस्मरणस्य हेतु इति मिल गया तो ऐसा क्या कारण है कि भाई कारण के एक साथ होने पर भी स्मृतियां एक साथ उत्पन्न नहीं होती हैं कारण एक साथ कैसे उत्पन्न था यहाँ पर आत्मा में ज्ञान के संस्कार हैं आत्मा एक बहुत छोटा सा सूक्ष्म तत्व है तो उसमें तो अनंत 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 ज्ञान के संस्कार हैं उनके साथ जब मन का संयोग होगा तो किसी एक संस्कार के साथ तो संयोग होगा नहीं अनंत अनंत के साथ ही होगा क्योंकि वो जगह कितनी छोटी सी है तो उस 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 जगह में बिंदु के नीचे जितने भी संस्कार पड़े हुए हैं उन सब का एक साथ ज्ञान होना चाहिए ना मन का संयोग होने से तो यहां पर यह कहा था कि कारण कारण के युगपत होने पर भी युगपत स्मरण क्यों नहीं होता है तो यहाँ इन्होंने उत्तर क्या दिया था प्रणिधान लिंगादि ज्ञान नाम अयुगपत सद्भावात आगे जो प्रणिधान आदि ज्ञान जान के जो वो बताई हैं लिंग बताई हैं उनके अयुगपत भावात वो एक साथ नहीं होते हैं इसलिए अयुगपत स्मरणम तो उसी को यहाँ आ जाइए अभी उसी को कह रहे हैं स्मृति हेतु नाम अयोग स्मृति के जो हेतु हैं जिनसे हमें स्मृति होती है उन कारणों की अयोग एक साथ न होने से अस्मरणम उक्तम वो स्मरण हमें एक साथ नहीं होते ऐसे आपने कहा था अथ के इति तो वो कौन से कारण हैं जिनसे कि ये स्मृतियां उत्पन्न होती हैं तो उसका उत्तर दे रहे हैं स्मृति खलु प्रणिधान निबंध अभ्यास लिंग लक्षण सादृश्य परिग्रह आश्रय आश्रित संबंध आनंतर्य वियोग एक कार्य विरोध अतिशय प्राप्ति व्यवधान सुख दुख इच्छा द्वेष भयार्थी तत्व भयार्थी तत्व सॉरी भयार्थित्व क्रिया राग धर्मा धर्म निमित्तेभ्य तो इन इन निमित्तों से ये 26 निमित्त बताई इनसे स्मृति उत्पन्न होती है तो अब एक एक को ले रहे हैं प्रणिधान क्या है सुस्मूर्षया मनसो धारणम प्रणिधानम भाष्यकार अपने आप ही बता रहे हैं एक एक के बारे में सुस्मूर्षया स्मरण करने की इच्छा से मन की जो धारणा है कहीं मन को लगाया जाता है उसको कहा प्रणिधान जैसे ईश्वर प्रणिधान शब्द आया ना योग दर्शन में तो प्रणिधान का मतलब क्या है ईश्वर को जानने की इच्छा से कहीं एक स्थान विशेष में अपनी धारणा को स्थापित करना उसको कहेंगे ईश्वर प्रणिधान तो धारणम जानने की इच्छा से वहां ईश्वर को जानने की इच्छा है और यहाँ लोक में जो भी स्मरण करना है उस विषय को जानने की इच्छा है तो उसको जानने की इच्छा से मनस धारणम मन का धारण करना इसको कहा प्रणिधान सुस्मूर्षित लिंग चिंतनम च अर्थ स्मृति कारणम सुस्मूर्षित लिंग चिंतनम माने स्मरण किए जाने वाली जो वस्तु है सुस्मूर्षित लिंग चिंतनम उसके किसी एक लिंग का एक लक्षण का जो चिंतन करेंगे तो पूरी वस्तु का स्मरण आ जाएगा ना जैसे आपको आपने कभी आम खाया और अब उसकी केवल एक गंध आई तो गंध क्या है उसका एक लिंग मात्र एक मात्र है तो उससे आपको सुस्मूर्षित वस्तु के इस लिंग मात्र से उसका पूरा का पूरा आपको स्मरण आ जाएगा इस चिंतन से अर्थ स्मृति कारणम ये जो है थोड़ा सा एक किसी लक्षण का चिंतन ये उस अर्थ की स्मृति का कारण बनता है तो पहला कारण स्मृति का क्या हुआ प्रणिधान दूसरा है निबंध निबंध किसको कहते हैं निबंध खलु एक ग्रंथोप एक ग्रंथ उपयमो अर्थानाम किसी एक ग्रंथ में अर्थों का उपयम करना माने उनको इकट्ठा कर देना संग्रह कर देना तो इसको कहेंगे निबंध जैसे एक योग दर्शन में सारे अध्यात्म के जो सिद्धांत हैं उनको इकट्ठा कर दिया तो वो एक निबंध है जैसे यहाँ सारे प्रमाणों को इकट्ठा कर दिया हुँ? हाँ तो उसका नाम है निबंध निबंध खलु एक अर्था नाम पदार्थों को जैसे यहां सोले पदार्थों को लाके इकट्ठा कर दिया न्याय दर्शन में तो इसको कहेंगे निबंध एक ग्रंथोपयता एक ग्रंथ का जो निबंध जो है उससे खलु अर्था अन्योन्य स्मृति हेतु तो उसमें एक दूसरे की एक दूसरे जो पदार्थ हैं उनसे अन्य अन्य का स्मरण हो जाता है जैसे यहाँ पर मैंने जैसे बोला प्रमाण तो आपको आगे प्रमेय आदि सब ध्यान आ जाएंगे या मैंने एक बोला प्रमेय बोला मान लो तो पीछे वाले याद आ जाएंगे तो एक ग्रंथ में जिनका निबंधन किया गया है उपसंग्रह किया है तो उनमें किसी एक के स्मरण से सबका स्मरण आ जाता है तो ये एक स्मृति का कारण है निबंध भी अनुपूर्वेण इतर्था वा भवंती या तो अनुपूर्वी स्मरणाएगा या तो आगे पीछे आ जाएगा कि भाई यहाँ सोलह पदार्थ थे धारणा शास्त्र कृतोवा वा प्रज्ञातेषु वस्तुषु स्मर्तव्यानाम् उपनिक्षेप निबंध इति धारणा शास्त्र कृतोवा धारणा शास्त्र से किया गया अथवा निबंध की दूसरी परिभाषा कह रहे हैं धारणा शास्त्र कृतो धारणा शास्त्र से किया गया प्रज्ञातेशु वस्तु जो वस्तुएं हमने जान ली हैं उन वस्तुओं में जो स्मरण करने वाले पदार्थ हैं उनका उपनिक्षेप माने उनका आरोप ये भी निबंध कहलाता है तो निबंध से स्मृति आती है जिन शास्त्रों में धारणा के बारे में कहा है तो धारणा शास्त्र से किया गया जो ज्ञात वस्तुओं में स्मर्तव्य जो विषय हैं उनका निक्षेप करना उनका आरोप करना ये भी निबंध है तो हाँ हाँ देशन हाँ।, देशन हाँ ये जो आयुर्वेद के ग्रंथ है ना उनको धारणा शास्त्र तो कहते हैं अभ्यासस्तु समाने विषये विषय नाम अभ्यावृत्ति ही अभ्यास क्या है समान विषय में ज्ञान नाम अभ्यावृत्ति जैसे तो हम रोज ही करते ही हैं जो हम ये स्मरण करते हैं अष्टाध्यायी धातुपाठ आदि जिसमें हम क्या करते हैं उसी समान विषय में वो जो ज्ञान है कि भाई ये बीस सूत्र हैं संजय सूत्र हैं उनका बार बार हम क्या करते हैं अभ्यावृत्ति तो वही अभ्यास है अभ्यास जनित संस्कार आत्मगुणों अभ्यास शब्देन उच्यते अभ्यास से उत्पन्न होने वाला जो संस्कार वो अभ्यास कर रहे हैं उससे क्या उत्पन्न हुआ संस्कार और संस्कार आत्मा का गुण है संस्कार कहाँ रहते हैं आत्मा में रहते हैं ज्ञान के संस्कार तो अभ्यास शब्द है ना है उस संस्कार से फिर जो ज्ञान होता है उसको यहाँ पर अभ्यास कहा है सच स्मृति हेतु समान है तो कह रहे हैं वो उसकी स्मृति का हेतु है माने उसी समान माने उसी विषय की स्मृति का हेतु तो कौन बनता है वो संस्कार जैसे आप स्मरण कर रहे हैं तो उस समय वो जो इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जो ज्ञान उत्पन्न हुआ था वो तो नष्ट हो गया पर उसका संस्कार आत्मा में रहता है तो उस संस्कार से फिर आपको उसकी ग्रंथ की स्मृति अगले दिन आ जाती है जब आप सुनाते हैं तो, तो इसका नाम अभ्यास है लिंगा पुनः संयोगी समवायी एकार्थ समवायी विरोधी चय अगला जो शब्द कहा था लिंग जो किसी स्मृति का हेतु है जैसे अग्नि धूम को देख करके अग्नि का ज्ञान हो जाता है ना तो वो एक लिंग है ना अग्नि का एक चिन्ह है तो ऐसे है ये फिर लिंग पुनः संयोगी और लिंग कितने प्रकार के होते हैं संयोगी समवाई एकार्थ अर्थ विरोधी चय चार प्रकार के हो गए संयोगी जैसे यथा था नहीं, धूम जैसे हमेशा अग्नि के साथ ही रहता है संयोग से ही रहता है तो धूम को देख करके अग्नि का स्मरण आ जाएगा और समवाई गोविषाण गाय का सिंह तो वो क्या है उसी में समवाई के रूप में रहता है एकार्थ अर्थ समवाई एक समवाई का इन्होंने दिया नहीं पाणीपादस्य तो मतलब इनमें समवाय तो है लेकिन थोड़ा है साथ साथ नहीं जुड़े हुए हैं और विरोधी का उदाहरण दिया इन्होंने रूपम स्पर्श रूप स्पर्श का विरोध ही है अब क्या रूपम स्पर्श मतलब जिस वस्तु का रूप दिखाई देगा मतलब बोलो बोलो तब... समय हो गया तो मैं ऐसे करती हूँ विराम ले लेती हूँ वैश्विक बच गया इसको कल पूरा कर देंगे ओ शांति 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 श्री गुरुभ्यो नमः